आज तारीख है 30 अप्रैल 1985। परम पूज्य महाराष्ट्र के श्री चरणों में प्रणाम। श्री कमलेश पालीवाल जिज्ञासा करते हैं, प्रभु सुनने पढ़ने से यह समझ में आया है कि खोजा जाने वाला और खोजने वाला एक ही है। इंद्रियां मन बुद्धि से पा सकने में समर्थ नहीं है, फिर उसका अनुभव या प्राप्ति किस प्रकार और किस स्थिति में होती, अनुग्रह कर प्रकाश डाले विस्तार। बिंदु में सिंधु समाप्त, यह सुन अकरण नहीं करो। ब्रह्मन हार बना रहमन आप ही आसन, एक बिंदु में सिंधु समाप्त, कृष्ण के कोई आश्चर्य नहीं करो। रहमन का कहना है ढूंढने वाला ही खो गया, कहाँ खोया है तो अपने आप में। ढूंढन हार हैरान, खोजन हार हैरान, रहमन आंखों में तो दूसरे को ढूंढना छोड़ दो, पहली शर्त को एक ही शर्त है। स्त्री को ढूंढते हैं, पुत्र को ढूंढते हैं, धन को ढूंढते हैं, इज्जत को ढूंढते हैं, दोस्त को ढूंढते हैं, दुश्मन को ढूंढते हैं। ये दूसरे को ढूंढने में जो लग गए हैं उसको छोड़ दो, जिसको नहीं छोड़ सकोगे वही को। वैकुंठ वाले ईश्वर को छोड़ सकते हैं, त्रेता वाले राम को भी छोड़ सकते हैं, द्वापर वाले कृष्ण को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ते। यही जो अपना आपा कभी नहीं छूटता है, देह भी छूट जाता है, इंद्रियां भी छूट जाती हैं, प्राण भी छूट जाते हैं, मन भी छूट जाता है, बुद्धि भी छूट जाती है, पर सबके छूट जाने के बाद भी जो नहीं छूटता है वही अपना आपा। और इसलिए त्यजत ही वही तज्ञेयम आत्मा त्यक्त परम पदम, जो छोड़ेगा तो पाएगा, क्योंकि छोड़ने वाले का आत्मा ही परम पद है। तो इसमें सौ सौ युक्ति नहीं है, सौ सौ उपाय नहीं, और सब तो केवल वाचनिक। मूल ये है कि ममता छूटी की नहीं, राग छूटा के नहीं, द्वेष छूटा के नहीं, परिवार में ममता है, सुख देने वाले से राग है, दुख देने वाले से द्वेष है, शरीर में मोह है, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने ग्रंथ हैं, अपनी अपनी मान्यता है। जरा एक झटका लगाओ तो एक बार झटक दो दुनिया को, एक पगड़ी सुना अंदर बाबू पूर्णानंद जी के घर गए एक बार, आप मुख्यमंत्री थे, बाल रखते थे घर गए, आप नारायण सिंह से बाल ले गए, कुछ जरूरी लिखना था बालों के जितने संपूर्ण लिख रहे थे, तो उनके बाल जो है वो आंखों पर आ जाए बार बार, वो हाथ में हाथ से तो लिखते रहे और फिर कुछ तो वो कान के ऊपर चला जाता था। तो प्रसिद्ध नारायण सिंह जी ने कहा कि बस ठीक हो, जब जब दुनिया अपने हाथ आवे एक झटक, एक झटक जान तस्वीर कहा आइए, बस एक झटके में दुनिया से छूटना है। ये दो तरह का होता है ना, जो बलिदान करते हैं, एक सिख लोग करते हैं, दूसरे बाल लोग करते हैं, एक तो हलाल, तो हलाल नहीं झटका कर देना पड़ेगा। ये दुनिया हलाल से नहीं छूटेगी, ये दुनिया झटके से छूटेगी।
अब इधर देखेंगे उधर देखेंगे पीछे कौन आ रहा है, बगल में कौन सुन रहा है, दुख तो सारी दुनिया ये तो एक बार दृश्य मात्र से एक झटका विदता ही वही तक त्यागे नहीं के अभी मैं मौरी मन जभी रही किनारे बैठ मैं पगली परमात्मा को ढूंढने के लिए चली और किनारे पर ही बैठी रह गई। जो एक क्षण का काम था जो एक क्षण का काम था वो कई जन्मों में है तो बहुत पोथी पढ़ने से काम नहीं बनता और न बहुत सुनने से काम बनता है। श्रवण आया भी बहुत जो न लग गया श्रृणवंतो की बहवो बहुत श्रवण करने से जिसकी प्राप्ति नहीं होती और बहुत सुनने वालों को भी जिसका पता नहीं चला। आश्चर्य वक्ता कुशलोत्तलता आश्चर्यम वेद कुशला सुष्टा जिसका वक्ता कोई आश्चर्य होता है और इसको प्राप्त करने वाला कोई कुशल होता है। ये आश्चर्य है आश्चर्य वेद कुशला शिष्ट यदि इसको बताने वाला ठीक ठीक मिल जाए इसमें मिला मिलाया ही मिलता है। आश्चर्य तो ये छोड़ा हुआ ही छूटता है मिला हुआ ही मिलता है जाना हुआ ही जाना जाता है। ये सब तो जब तक तीव्र जिज्ञासा चित्त में उदय नहीं होती तब तक सारे बखेड़े करने पड़ते हैं चाहे ढोल बजाओ चाहे नाचो चाहे कमर मिलाओ चाहे पाँव मटकाओ। ऐसे न किसी को ईश्वर मिला है न मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे तो परसु बाबा कहते थे वृत्ति को भोले बाबा कहते भोले बाबा ओ वृत्ति को उड़ा करा सिदाकाश में फेंक दो। सिदाकाश को वृत्ति में फेंक दो अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। न दूरान में संकोचा प्राप्त देवा पदम वो तो न दूर है न नजदीक है न निकट न दूर हाजरा हजूर सर्वत्र भरपूर है। बड़े मजेदार ये लोग तो नकल उतारते हैं भोले बाबा की नकल किया करते जय देवी क्या बोलते थे तो कोई बच्चों का खेल नहीं है खिलौना नहीं है इसमें त्याग की आवश्यकता तो पड़ती ही है। गुरु की कृपा हो और दृश्य का त्याग और अपना आपा तो जिज्ञासा का अधिकरण है जिज्ञासा का विषय पंडितों की बोली में जिज्ञासा अधिकरण है। जैसे खड़े का अधिकरण धरती है ऐसे जिज्ञासा जिस धरती में रहती है वही आत्मा है माने अपना आत्मा जिसको ज्ञान की इच्छा है वही अंतकरण का भी जो आश्रय है असल में अंतकरण इच्छा ही है इच्छा के सिवा अंतकरण क्या है। एक ने रमन भारती से पूछा हम ही लोग थे एक ने क्या राज ये ज्ञान किसमें
जिसने परमात्मा को रख रखा। मुझे ये पूछने वाला कौन है, जिसको पूछने जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है, जिसको ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की इच्छा किसको है, तो हमको है, तब उसी में अज्ञान है ना। जहाँ ईश्वर दृष्टि गई, हम बाहर कौन है, हम जो घर में खजाना गड़ा है उसको घर में नहीं ढूंढते। भागवत में एक दृष्टांत दिया है, श्रीधर स्वामी ने टीका में ले, एक बुढ़िया रात के समय कुछ सड़क पर ढूंढ रही थी, कोई भले मानुष आया, बोले माई क्या ढूंढ रही है, हमारी सुई खो गई, बोले सुई कहाँ खो गई थी, बोले घर में, सड़क पर क्यों ढूंढती है, बोले घर में रोशनी नहीं थी, सड़क पर रोशनी थी, तो यहाँ ढूंढे नहीं, नहीं गृह नष्टम बने मिले थे, घर में खोई थी, जंगल में नहीं ढूंढी जा, जो अपने हृदय में ही है। कौन ऐसा मत है, पंथ है दुनिया में जो ईश्वर को तो मानता हो और उसको अपने हृदय में न मानता, ऐसा कोई पंथ है ही नहीं, हृदय से ही जो अपने हृदय में ही रह रहा है उसको ढूंढने के लिए काहे रे पंथ भोजन जाए, पंथ में ढूंढने के लिए क्यों जाते हो, पूजने वाला जो है उसको देखो कैसा है, अपने आप को ही खोज रहे। स्वामी श्री रघुरानंद जी महाराज, प्रमादान न परोस्ति मृत्यु विवेकिन, प्रमादान न परोस्ति मृत्यु विवेकिन, ब्रह्म विदो समाधौ समाहित सिद्धि मुपैति सम्यक, समाहितात्मा भव सावधान। हाँ। श्लोक का आशय जानते हैं। माने मौत क्या है, मौत क्या है, तो बोले ये जो हम नशे में आ गए ये सब नशे ही है, प्रमाद, प्रमादनम प्रमाद, मस्ती में आ गए, नशे में आ गए। एक बार महाराज कंठन के आंदोलन कि मादक द्रव्य निषेध किया जाए, कोई साधु गांजा न पिए, भांग न पिए, अफीम न खाए, मादक द्रव्य का निषेध किया। एक विरक्त महात्मा थे, उनके पास लोग आए, महाराज आप हस्ताक्षर कीजिए, तो बोले कि ये धन के नशे में हमारे गांव में महाराज गरीब लोग निश्चित थे, सभी गरीब लोग थे, सात घर के करीब ब्राह्मण सब भी थे, सब भी खाते ही रहे, गरीब बहुत है, तो वहाँ ये कहते थे कि यदि 100 रुपया एक आदमी के पास हो तो उसको एक बोतल का नशा दे, उस समय 100 रुपये का होना एक बोतल नशे के बराबर माना जाता था। ये मठ जो है, ये मंदिर जो है, ये धर्मशाले जो हैं, ये जो तांझाम है, छत्र है, कमर है, दिन में मसाल जला के चलना है, ये मादक है कि नहीं, नशा होता है। तो असल में अघोरानंद जी, ये जो मादक द्रव्य है जिसमें हम अपने को भूल जाते हैं उसका नाम मादक है, उसका नाम मादक है, मतवाले हो गए। मैंने 2 बार भांग किया है, एक बार तो हम अपनी बहन के गांव गए थे, वहाँ लोगों ने ठंडाई ठंडाई करके हम एक भुजवा भांग खिला दी, और उसी दिन हमको ट्रेन में जाना था। अब महाराज रात को जब ट्रेन में सोए, खाली ट्रेन जाती थी, तब हमारा दुशाला गिर पड़ा, तो दूसरे ने उठा लिया और उठा के बोला ये मेरा है, मैंने कहा तुम्हारा हो जाते समझो, हाँ ये और ऐसा लगे कि उड़ रहे हैं, ट्रेन में है, उस पर नहीं, बैठने वाली जगह पर नहीं है,
छत पर लग रहे हैं और गदा इसका नाम होता है लखना। तो ये जो संसार के लोग दृश्य वस्तुओं के प्रेम में या दुश्मनी में फंसे हुए हैं, उन्हें अपने स्वरूप का तो बोध होता नहीं, बेहोश हो जाते हैं। इस प्रमाद से बढ़ करके एक सिवाय दूसरा कोई मृत्यु नहीं है। हम अपने को भूल गए और दूसरों की याद में लगे हुए हैं। तो जब दूसरे को देखोगे तब अपने को भूल जाओगे, और अपने को भी देखोगे और दूसरे को भी देखोगे तब जागृत अवस्था रहेगा, और कुछ का कुछ देखोगे तो सपना रहेगा, और बिल्कुल नहीं देख पाओगे तो सुसुप्ति हो जाएगी। और वो महाजागृत जिसमें न जागृत है न स्वप्न है न सुसुप्ति, वो तुम्हारी बेनशे की हालत है, उसमें प्रमाद नहीं है। एक आदमी ने महाराज कोई नशे की चीज पी ली, उसको भ्रम हो गया कि मैं कहीं गांव घर के बाहर दूसरे के थ्रू। अब महाराज वो कहे हमें हमारे घर पहुंचा दो, रोवर हमें हमारे घर पहुंचा दो। अब आप लोग सोच लीजिए हमें हमारे घर पहुंचा दो। लोग उसको समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने घर में ही हो, ये तुम्हारा ही घर है। बोले नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो मेरे घर पहुंचा दो। अब बताओ मोटर पर बैठाया उसको, चारों ओर घुमाया, घुमा के फिर ले आए, ये तुम्हारा घर नहीं नहीं ये हमारा घर नहीं है। तो वो अपने घर को ही न पहचाने, क्या करोगे? उसका नशा उतर जाएगा तो देख लेगा स्त्री का नशा। देखा है महाराज, अब पत्नी अगर बहुत सुंदर है और ये ग्रंथ भाव प्रकाशन उसका नाम है ना, तो उसमें 22 प्रकार के मद का उल्लेख है। बढ़िया मकान का मद होता है, अच्छा बढ़िया जगह में रहने का मद होता है, अच्छा बढ़िया गुरु मिल जाने का मद होता है, नशा होता है। अब हमको साधन करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मद उत्तमांगना परिश्वंक जन्य मद होता है। जिसको बहुत बढ़िया स्त्री मिलती है भोग के लिए, वो भी नशे में हो जाए। 22 नशे के बाद 22 कारण उसमें लिखे हुए नारायण। तो ये प्रमाद ही असल में मृत्यु है। ये सनत कुमार आदि को ने प्रमादम वही मृत्यु अहम सनत सुजात संहिता में महाभारत में ये बात सनत सुजात प्रजागर पर्व जो है राष्ट्र का उसमें ये बात कही है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता वो है जिसको कभी प्रमाद नहीं होता। इसलिए समाहितात्मा भव सावधाना, इसलिए हमें सावधान रहो और प्रमाद मत करो। अपने स्वरूप में निष्ठा, अपने स्वरूप में निष्ठे स्थित है। आप सुप्ते रामृदय कालम नए वेदांत चिंतया, जब तक सो न जाए और जब तक मर न जाए। आसुप्ते रामृदय कालम नए वेदांत चिंतया, वेदांत चिंतन से अपना समय बिताना चाहिए। सत्यान्नावसरं किंचित कामादीनां मनागति, काम क्रोध मोह के लिए कोई मौका ही ना मिले। एक महात्मा थे महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के, उनके विरोधी हो गए गांव के लोग कि इनकी इज्जत बढ़ जाएगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक वेश्या भेज दी उसके पास, जाओ तो हम बदनाम करेंगे। महाराज वेश्या गई, वो जप कर रहे थे 3 लाख नाम का जप करके सब बोलते थे। अब महाराज जप चल रहा उनका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। वेश्या आई तो इशारा कर दिया,
बैठो। अब महाराज वो बैठी रही रात भर, उनका जब ही पूरा नहीं हुआ तो सवेरा हुआ तो चली, मौका ही नहीं। दूसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, तीन दिन जब रात रात भर वो इंतजार करती रही महात्मा की, तो उसकी मनोवृत्ति जो है वो बदल गई, वो चरणों में गिरी। तो महाराज अब तो मुझे आप स्वीकार कर लो हमेशा के लिए, कोई कामना नहीं है, मैं भजन करना चाहते हैं। अच्छा तो ये कुटिया तुम दे लो, इसमें रह के भजन करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये महाप्रभु नाम को हरिदास, जवन हरिदास। तो महाराज मौका ही नहीं, मौका ही नहीं, भजन में ऐसे लगे हैं, भूलेंगे तो भजन टूट जाएगा, दूसरे की ओर ध्यान देंगे तो भजन टूट जाएगा। दद्या नावतरण किंचित क्षणमेकम् न तिष्ठेत्तु, क्षणमेकम् न तिष्ठेत्तु वृत्तिम् ब्रह्ममयीम् विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः। आशीर्वाद चाहिए तो ऐसा, और देने वाला हो तो ऐसा। स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज प्रणाम करते हुए लिखते हैं, प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य मुक्ति या स्वाधीनता है, तो जड़ वस्तु और चित्त वृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करके उस पर कैसे प्रभुत्व किया जाए? देखो कहीं मठाधीश मत बन जाना, क्योंकि इस नाम के लोग प्राय मठाधीश हो जाते हैं। मैं दाढ़ी वाड़ी जो है ना मन होने लायक, रंग रूप सकल सूरत का भी बहुत असर पड़ता है, कहीं महंत मत बन जाना। क्या पूछते हैं? प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य मुक्ति या स्वाधीनता है, तो जड़ वस्तु और चित्त वृत्ति सुखम हो यार, सुख मुझे दे। नहीं आई वैशेषिक दुखम में महाभूत इतने कहते हैं, और वेदांति लोग कहते हैं सुखम हो यार, हमको सुख हो गए। दुखा भाव बदल मुक्ति गौतम किन्न गौतम। तो मुझे सुख मिला, अब दुख से मुक्ति एक चीज की चाहती है, उसको दबाओ भाग जाए, खटमल को छूने की कोशिश करो तो जानता है मर जाए भाग जाता है, ऐसा चिंता है। तो खटमल के मन में भी ये मनुष्य मात्र की इच्छा नहीं है, ये प्राणी मात्र की इच्छा है कि हमको दुख न हो और सुख ही हो। इसलिए ये दर्शन केवल भारतीय या केवल हिंदू दर्शन नहीं है, मानवीय है, ये तो सार्वजनिक सार्वभौम सार्वकालिक ये दर्शन है कि मैं दुख से मुक्ति चाहता हूँ। और यदि सुख दुख देने लगे तो स्त्री दुख देने लगे तो ये महाराज हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी जी रहते थे ना ऋषि जी, जिनके पाँव में चोट लगी नहीं तो वो रुपया लिए आ रहे थे, महाराज देव लिया डाकुओं ने, वो तो बड़े चतुर थे, उन्होंने 2000 रुपया
निकाला झूले जैसे और ऐसा उड़ाया आसमान में, लाखों लोग जो है वो उनको लूटने में लग गए। फिर उसका 20,000 रुपये ले पा, तो ये है कि भाई जब अज्ञान पर आती है तो आदमी रुपया छोड़ देता है, स्त्री छोड़ देता है, पिता छोड़ देता है, हाथ दर्द में कोई तकलीफ हो तो कटवा देते हैं, हमने यहाँ तक पांव कटे लोगों को देखा है, आंख निकलवा देते हैं। तो जो दुख देता है उससे कोई नहीं करता है, दुखदायी वस्तु को सब छोड़। अब यदि तुमको कोई जड़ वस्तु दुख दे रही है या तुम्हारी मनोवृत्ति की गड़बड़ ही दुख दे रही है, तो पत्नी को तलाक देना होता तो फिर एक बार सोचना पड़ता था, जज इजाजत दे सकता। लेकिन अगर अपनी पकड़ी चीजें ही अपने को तकलीफ दे रही है तो उसको फेंक क्यों नहीं देते? आज तक तो महाराज मिल मालिक बताते हैं, स्वामी जी हम अपने मिल में कपड़े के बनते हैं, एक खान कपड़ा अपने लिए नहीं ला सकते, इजाजत नहीं सकते। हाँ, एक नौकर को हम निकाल नहीं सकते, इजाजत देनी पड़ती है, नहीं तो हड़ताल भी हो सकती है। और हम चाहें तो अपने घर वाले भी निकाल सकते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। तो भाई मेरे इसमें तो किसी जज कलेक्टर की कोई इजाजत नहीं। जो वृत्ति आपको तकलीफ देती है, जो पकड़ आपको तकलीफ देती है, उसको छोड़ दीजिए। एक देश था उसके पास महाराज और 10 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा हो गया और था कुछ देने को, जिनका कर्जा था उन लोगों ने उस पर दावा ठोंक दिया। वकील के पास गया बेचारा, क्या करें? वकील ने कहा देखो हम तुमको 10 लाख से बचा रहे, 10,000 रुपया हमको दे दी। उसने कहा था 10 लाख से बच जाएंगे तो 10,000 दे देंगे। उसने कहा देखो अभी से तुम ते बोलना शुरू करो, ते जैसे तोता बोलता है ना, ते ते ते, दूसरा कोई शब्द बोल नहीं मत, बोलो ते। अब महाराज बेचारा पकड़ के गया अदालत में, पूछा नाम ते, बाप ते, गांव कर्जा लिया ते, क्यों नहीं दिया कहते, अब और कुछ बोले? हाँ, जज ने कहा कि ये तो पागल हो गया, तो परीक्षा कराई जाए। अब परीक्षालय में गया, डॉक्टरों ने जांच की तो ते के सिवा कुछ बोलेंगे और घोषित हो गया कि पागल है, छूट गया महाराज। अब वकील के पास तो गए इस वर्षों तक, तो वकील ले गया, अरे भाई हमने 10 लाख से बचा, हमारे 10,000 तो दे दो। बोला कि जिसने 10 लाख से बचा लिया वो दे तो हमारे पास ही है, वो 10,000 से नहीं, 10,000 से नहीं बचावेगा। तो महाराज जब तक दुनिया को दे नहीं बोलोगे तब तक इससे बचने वाले नहीं हो। जिसका भी प्रश्न हो उसको बता दो कि वो दे बोलना सीखे, जैसा ही वही सच गए हम। किरण ठक्कर का एक प्रश्न है, ब्रजवासी राधे कहते समय हाथ क्यों ऊपर करते हैं? हाथ ऊपर क्यों करते हैं? जो आवेश में जोश में जो बात कही जाती है ना, उसमें हाथ ऊपर हो जाते हैं। हाँ, गुस्से में भी चिल्लाते हैं तो हाथ हो जाता है, ललकार देते हैं, देख लेंगे बच्चों तुमको है? तो जोश में जब कोई बात कही जाती है तो हाथ नीचे गिरा हुआ नहीं रहता है, वो ऊपर रुक जाता है। राधे राधे राधे, दोनों हाथ उठाते हैं, दोनों हाथ उठा के पकड़ लो अपने पास, खींच लो अपने पास, और राधा रानी को कहते हैं खींच लो। हम बोले अब हम दुनिया में दोनों हाथ उठाया, राधे अब हम दुनिया में कुछ नहीं पकड़ते हैं, केवल तुम्हारा ही भरोसा है, दुनिया मैंने छोड़ दी, इसलिए हाथ उठा। बरेली की एक बहन का प्रश्न है, प्रश्न का जवाब आज ही चाहते हैं, पूछती है
शरणागति एवं समर्पण में क्या अंतर? शरणागति एवं समर्पण युगपत होते हैं अथवा अंतराल से? यदि इनमें अंतर है तो इनका पृथक पृथक स्वरूप समझाने की कृपा करें तथा समर्पण में समर्पित के प्रति समर्पण भाव का अभाव कैसे संभव है समझाने का अनुरोध। ईश्वर की कृपा से समर्पण होता है अपनी ओर से, समर्पण करने वाले का बल होता है समर्पण, और स्वीकार करने वाले का बल होता है शरणागति। हमने समर्पित तो कर दिया। देखो एक दिन क्या हुआ, हम जयदयाल गोयनका के साथ यही किसी मंदिर में गए, जो तो सेवा अधिकारी थे उन्होंने ला के शरणामृत दिया, उनको दिया तो उन्होंने पी लिया, उसको गोयनका जी को दिया तो उन्होंने पिया नहीं, उसको सिर फेंका। मैंने उनके बाद में पूछा कि आपने शरणामृत किया क्यों नहीं, तो बोले कि देखो इन्होंने तो भगवान का चरणामृत, पर भगवान ने अपना चरणामृत इसको माना है कि नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, ये तो मालूम नहीं है, ये पता नहीं कब का जल है, इसमें क्या कैसा दही, कैसा दही पानी मिलाया है, कितना बाकी है, कितनी मक्खी पड़ी है, कि क्या नाम चीटी पड़ी है, और भगवान ने इसको स्वीकार किया कि नहीं। तो देखो अपनी ओर से देना समर्पण है, समर्पण का कर्ता जीव होता है, और शरणागति का स्वीकर्ता परमेश्वर होता है। उसने मान लिया कि नहीं, कोटि जन्म कोटि विप्र बद लागे जाऊ आए शरण तजाऊ नहीं सारू। वाल्मीकि रामायण में है, दोषो यद्यपि तस्यस्या सताम एतत् अगर हिता, भले कोई दोषी शरणागत हो लेकिन सत्पुरुष का काम यही है तो उस दोषी दोषी को भी स्वीकार करना। दोषो यद्यपि तस्यस्या सताम एतत् अगर हिता, वाल्मीकि रामायण ऐसा है कि जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो दो पक्ष हो गया भगवान के दरबार में। सुग्रीव ने कहा विभीषणो न ग्राह्य दुष्टत्वात्, विभीषण को ग्रहण स्वीकार करना नहीं चाहिए क्योंकि यह दुष्टत्वात् हेतु है, दुष्टत्वात् हेतु। विभीषण विभीषण पक्ष है, न ग्राह्य प्राप्त विभीषणो न ग्राह्य दुष्टत्वात्। हनुमान जी बोल उठे विभीषणों ग्राह्य शिष्टत्वाषण को ग्रहण करना चाहिए क्यों? भगवान रामचंद्र ने कहा कि सुग्रीव तुम्हारा तो साध्य और हेतु दोनों ही दुष्ट है, ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये साध्य भी दूषित है और दुष्ट होने के कारण नहीं ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी से बोले कि तुम्हारा साध्य तो विभीषणों का राज्य है, विभीषण को ग्रहण करना है, परंतु शिष्टत्वात् ये हेतु अशुद्ध है, क्या जो शिष्ट हो उसी को हम ग्रहण करें? एक बाज पक्षी एक चिड़िया बाज के खदेड़े बाज की आ रही है और वो सिद्धि राजा के सिंहासन के नीचे दूरी करते हैं, उसकी जाति पूछते हैं धर्म पूछते हैं, अरे ये तो हमारा शरणागत है, राजा का धर्म है इसकी रक्षा करें, और अपने शरीर का मांस दे करके भी उसकी रक्षा करते हैं। तो शरणागत में शरण ही, जिसकी हम शरण लेते हैं उसकी प्रधानता होती है, और समर्पण में जो समर्पित करता है उसकी प्रधानता होती है। अब एक देखो बहुत प्रसाद की बात बताता हूँ, दो संतरा लेके आए भगवान के सामने, रहे अपने पैसे से खरीदा है या अपने पेड़ से तोड़ा है, अपने हाथ से लाए हैं, अब मेरा नहीं रहा। हमने कहा भगवान का
मेरा तो नहीं रहा, परंतु भगवान ने तो कहा ही नहीं कि मेरा है। अच्छा वो संतरा भगवान का हुआ कि नहीं, लावारिस हो गया। तो लावारिस माल जो होता है वो तो मालिक का ही होता है, इसलिए चाहे भगवान ने उसको मेरा कहा चाहे नहीं कहा, तुमने जब मेरा छोड़ दिया तो उसके मालिक भगवान के सिवाय और कोई नहीं, वो प्रसाद तो मिल गया। इसलिए महाराज समर्पण अपनी ओर से होता है और शरणागति की स्वीकृति जो है वो भगवान की ओर से होती है। उन्होंने घोषणा कर रखी, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि। शरणागत कह दे सजय अमित हनुमान से नर पाप और पाप में विनय विलोकन हान। ऐसे एक बार भगवान की शरण में आ जाओ, बस सम्मुख होने ही शरणागति। ये तो हुई व्यावहारिक बात, परमार्थ की बात तो बहुत विलक्षण है। एक महात्मा थे हमारे गांव के आसपास, नब्बे बरस की उम्र हो गई थी, नंगे उठे थे। मैंने कहा महाराज मैं भगवान शरण में चलते, तो बोले गुरु तुम बताओ ऐसी क्या चीज है जो भगवान की शरण में पृथ्वी जल पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु आकाश ये सब भगवान की शरण में है कि नहीं। सूर्य चंद्रमसौ विदितौ की प्रकार जब शरण में सब है अच्छा तो तुम जा सोच के आना। जो चीज भगवान की शरण में नहीं होगी वो हम भगवान की शरण में कर सकते। असल में शरणागत तो सभी प्रमाण है, शरणागति की प्रमाण नहीं है, ये भ्रम है कि हम शरणागत नहीं है। इसलिए शरणागति का बोध ही असल में शरणागति है। मोरे शरण राम के मन में, हो गई शरणागति और क्या, मोरे शरण राम के मन में। आपको कृपा करके बताइए कि मंत्र में चैतन्य लाने की क्या विधि है, मंत्र चेतन होने पर स्वयं को उसका कैसे अनुभव होता है। अपने गांव में जब एक
इसका नाम अर्जुन वो आग जो है सत्ती हुए हमारे मुंह में डाल के खाता है और ये जो जंजीर होती है उसको आग से डाल करके खाते चटक पड़ जाए शरीर में जब उससे हल्का बोलता हो जाए बहुत सर होता है बनाए के समझ में जाते हैं चमक चमक पड़ जाए तो उसको वो बात एक साथ साथ को बराबर भर के और एक आदमी पर खड़ा एक आदमी पर खड़ा चूहे की कुर्सी डालता था उसको और वो दोनों आपस ले जाते उसके अलग अलग और मैं छूट हो जाता उसके पास आग बांधने का मन था पानी बांधने का मन था तो मैंने उससे कहा कि दोनों को तो कुछ में तो शर्त थी साफ का मंत्र था बता दिया और उसको शर्त ये थी जहाँ कहीं मालूम पड़े कि किसी को सांप काट गया है वहाँ जाना जरूरी है तो मैंने सांप वाला मंत्र को याद नहीं किया लेकिन और मंत्र जो उसके साथ वो जगाना पड़ता था तो गांव की भाषा में जिसको बोलते हैं मंत्र जगाना उसी को संस्कृत भाषा में बोलते हैं मंत्र चैतन्य करना संस्कृत का शब्द है चैतन्य करना और गांव की भाषा में वो शब्द है मंत्र तो मंत्र सोते रहते हैं सोते रहते हैं का मतलब ये नहीं कि उनके अक्षरों में स्वरों में स्वरों में जो जड़ बुद्धि होती है जैसे और अक्षर होते हैं वैसे ही मंत्र में वर्ण बुद्धि गुरु मूर्ति में पाषाण बुद्धि प्रसाद में भोग बुद्धि ये बहुत हानिकारक होती है तो मंत्र के जो वर्ण हैं उनको जगाने की प्रक्रिया है और मंत्रों के जगाने की तो अलग अलग दिवाली के दिन रात में जगाना ग्रहण में जगन जगाना मैं तो कई मंत्र जगाए थे और वो संकल्प से अपना काम करते थे उस संकल्प से किए जाते थे वो काम तो होता था वो जैसे बात की शाखा करके चलाना था उसको तो मैंने कितनी बात कराया और उसमें कोई चला की मंत्र के अक्षर होना और चूहे की कोशिश देखना मैं जानता हूँ कि उसमें कोई चला की मैं कोई चला की नहीं सकती वो सब जाती वो बांस की आदमी के बराबर की शाखा बीच में से नीचे अलग अलग होती थी और वो चल के सट जाती हमारा उस शाखा में बेदनता है अनुमिल आकर मंत्र प्रभाव जान हर गिरजा साबर मंत्र जाल गुरु सोचा अनुमिल आखिर आकर सर्प न जाकु प्रगट प्रभाव दुहाई गौरा गौरा पार्वती महादेव के दुहाई गौरा कमाई की दुहाई मोना जोगिनी की तो ऐसे भूल करके हमको बिच्छू का मंत्र बोलते थे पर्वत ऊपर सुरही गाय ताकि गोबर रुचि दिहाय नव काली नव गोरी नव सुरोही दुहाई गौरा पार्वती ईश्वर महादेव की बिच उतर जाता दुहाई देते थे उतर जाता था ये जो भगवत संबंधी मंत्र है इनको भी जब लगन होती है ना आदमी को तो वो कैसे करें गंगा में नहाए कि आग तापें कि धूप में खड़े होए हमारे मंत्र में चेतनता आ जाए इसके लिए प्रयास करता है और लगन नहीं होगी तो सुन लिया एक सज्जन हमारे पास होगी आठ दस दिन वो खड़े मैं समझता हूँ आठ वर्ष उसको
मन पर ज्यादा भी हो सकता है और बीच बीच में और कितने अनुष्ठान भी करा लेते हैं, कितने मंत्रों का जल भी करा लेते हैं। और जब मैंने बात की तो मालूम हुआ कि उनको तो वो मंत्र याद ही नहीं है जो 8 वर्ष पहले मैंने बताया। तो मंत्र के प्रति कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई लगन या रोज थोड़ा थोड़ा करते होते हैं वो भूल कैसे जाते हैं। जो भगवत संबंधी मंत्र होते हैं उनमें तो ज्यादा कर्मकांड नहीं है, वैसे उपासना शास्त्र की रीति यह है कि भगवान जो मंत्र के अर्थ, मंत्र का अर्थ वो कोई कोश व्याकरण से जानने का नहीं होता, जिस देवता का मंत्र है वही उस मंत्र का, जैसे रामायण नमः मंत्र का यदि जप करते हैं तो राम मंत्र का अर्थ है रामचंद्र कौशल्यानंदा सीतापति भरताग्रज भगवान रामचंद्र और रामधारी राम। एक तो मंत्र के अर्थ और दूसरे मंत्र बताने वाले गुरु का और तीसरे मंत्र जपने वाले और मंत्र, इन चारों की एकता का जो चिंतन है, मंत्र अक्षर नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है और मैं भगवान का भक्त भगवान से अलग नहीं हूँ, भगवान मुझसे अलग नहीं है, ये जो चार वस्तुओं का एकीकरण है, आत्मा गुरु मंत्र और भगवान, इन चारों की एकता की भावना से मंत्र चैतन्य होता है, माने मंत्र जागरण। फिर उसके जो अर्थ है भगवान उनका साक्षात्कार होता है। और यदि मंत्र का जपना छोड़ दे बीच में तो फिर मंत्र सो जाता है, तो दूसरे को बताने से भी सो जाता है, जप न करने से भी सो जाता है, मंत्रों को सोने जागने की आदत करता है, कुंडलनी भी जगती है और सो जाती है। ईश्वर कृपा से मंत्र, मंत्रदाता गुरु, मंत्रार्थ भगवान और मंत्र जापक साधक, इन चारों की आत्मा में जब एकता होती है तो आत्म चैतन्य ही मंत्र में अवतीर्ण हो जाते हैं और आत्मा की तादाद से वो मंत्र चैतन्य होकर काम करने लगता है। मंत्र चैतन्य का लक्षण ये है कि मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता है उनका दर्शन होने लगे, स्वाध्याया इष्ट देवता संशय होगा, योग दर्शन का सूत्र है, जप करने से इष्ट देवता के साथ मिलना होता है, स्वाध्याया इष्ट देवता संशय होगा। देखो जब लगन होती है तो उसकी जो बारीकियां हैं, जो रहस्य है, उन सबको जानने की इच्छा होती है और यदि पुष्टि हो गई हम धाम में रहते हैं हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा गुरु इतना बड़ा है हमको करने की जरूरत नहीं है, हमारा मंत्र ऐसा है हमको करने की जरूरत नहीं है, हम इतने सदाचारी हमको करने की जरूरत नहीं है, ये नवधा पुष्टि शांत दर्शन के मूल में है, महाभारत को शांति पर्व है। इनमें यदि कोई संतोष करके बैठ गया तो उसका मंत्र जो है वो जगेगा नहीं, इसके लिए हाथ पांव खींचना पड़ता है, मुट्ठी बांधनी पड़ती है, दांत खटखटाना पड़ता है, दंते दंता विचूर्ण च दांत खटखटा के मुट्ठी पांव के कार्यम वाता दया शरीरम वाता दया, चाहे तो हमें सिद्धि मिलेगी और चाहे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। एक जड़ को चिंतन करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है,
अब भगवान को गरज होगी तो उससे आके मिलेंगे कि हम तुम्हारा सब काम करेंगे, गर्जी तो भगवान होंगे तुम तो हो नहीं। महाराज एक गवा गांव में रामेश्वर नाम का रहने वाले बाबा हरि बाबा जी महाराज के प्रति अत्यंत श्रद्धा, श्रद्धा भी पार कर गई थी। एक बार बाबा ने कहा कि उत्सव के लिए 5,000 लाख बेटा नहीं है, कर्जा करते हमको कर्जा नहीं गिर भी लाना। अब महाराज जब बाबा ने कहा कि जेवर फिर भी रख के लाओ बेटी की शादी करके करो, महाराज उठ के नाचने लगा कि बाबा हमको इतना अपना समझा, इतनी श्रद्धा थी। वही आदमी जो बीमारी में मारे बाबा लेके घंटा खड़े हुए और परिक्रमा कर करके उसके आंगन में चलाई हुई उसकी लाश योग के ऊपर करने लगे। चैतन्य लेके बैठ गया उसके कीर्तन करते। ये श्रद्धा और भगवान नाम ये कोई उसकी खेल की चीज है, ये तो कौतूहल बस कोई शुभता बस देखें इसमें क्या रखता है, देखें ये क्या मंत्र बताते हैं। हम लोग भी ऐसे ही मंत्र बताते हैं। एक बाबा के पास गए गुलाब चंद का नाम प्रकाश बोले पंडित जी जानते हो मंत्र माने क्या होता है। नाम बाबा नहीं जानते बोले मन अंतर मंत्र जिससे मन अंतर को खोजाए उसका नाम मंत्र है। शराब रखी होती महाराज जब कोई जाते सदाचारी पुरुष जाते तो वो शराब दूर हो जाते कौन विश्वास करेगा। हमारे किला राम बाबा जी हमारे गांव के पास ही किला राम बाबा जी राम दर्शन तो मंत्र में ऐसी शक्ति है और भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है जो चेतन का जड़ करे जड़ ही करे चैतन असर प्रजनाम का चेतन का चेतन करण अति चेतन भगवान तिन ही अचेतन कहेंगे तिन ही अचेतन जान ऐसे मंत्र। स्वामी श्री रघुरानंद जी महाराज पूछते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा यह मन्यते किम तेन न कृतम पापम चौरे इस श्लोक को महाभारत तथा रामायण के उपाख्यानों से समझाएं। अब देखो उपाख्यान हमको याद ना हो तो ये जो ईसावाद से उपनिषद है असुरिया नाम से धोखा अंधेर संसार का शास्त्र प्रेतिया विलक्षण साथ पहनो राम जो है तो चेतन और अपने को समझता है ये जड़ शरीर आत्मघात हो गया उसको खुद खुशी का आत्महत्या का पाप उसको लग रहा जिसने चेतन होके भी अपने को जड़ मान लिया ये पाप सबसे बड़ा पाप है और है भगवान का और मानता है अपने को श्रीमती जी का ये भी पाप है। वो अन्यथा संत महात्मा ये भी पाप है उसके भगवान सर्वस्व है उसके भगवान और मानता है सर्वत्र अपने पैसे को वो भी आत्मा जाती है। देखो मैंने दो एक नाम ऐसे ही ले दिए आत्मघाती है असुरिया नाम से लोका अंधेन तमसा वृता पास्ते प्रेतिया विगच्छन्ते देखे चात्महनो जना आत्मघात किया उसने अपने हाथों अपना सत्यानाश कर अन्यथा संत आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्तेन न कृतम पापम
धारिणा, उसने अपने को लुटा दिया, स्वयं उसको डाकू रूप से ले गए, डाकुओं के हाथ में अपने को उसने डाल दिया। वो चोर है, भगवान की वस्तु को अपनी समझ करके और चोर है कुछ और मानता है अपने को कुछ। ये जो दम्भ है, दौम है, अहंकार है, ममता है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते है कुछ और मानता है अपने को कुछ और। चिंते न कृतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया, सारा पाप तो इसकी यही तो माया है। ये दम्भ जो है ना, दम्भ जीव की ओर से दम्भ और ईश्वर की ओर से माया, ये दोनों का नाम नहीं सुनता। ईश्वर के दम्भ का नाम है माया। ईश्वर ने दम्भ दिया है, कैसा दिखा रहा है कैसा। वो ईश्वर तो खेल करता है लीला, उसमें कर्तृत्व नहीं है, इसलिए तो है उसकी माया। इंद्रो माया भी गुरु रूप ही है, रूपम रूपम प्रतिरूपो रूपम। और जीव करता है दम्भ, क्योंकि इसमें कर्तृत्व है। माया दम्भे कृपायाम च, जीव करता है बनावट। शुद्ध भाव से न इसने ईश्वर के सामने अपने को रखा, न गुरु के सामने, न पति के सामने, न माँ के सामने, कुछ न कुछ छत कपट रख करके जैसा है उससे अन्यथा अपने को दिखाता है। है कामी दिखाता है निष्काम, है क्रोधी दिखाता है क्षमावान, है लोभी दिखाता है संतोषी। इसी बनावट का फल ये है, जब जीव जब तक बनावट करता रहेगा तब तक ईश्वर भी उसके साथ बनावटी रूप ही उसके सामने करेगा। सबसे बड़ा पाप यही दम्भ है और इसी से माया के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जो न्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते चिंतेन न कृतम पापम चौरे दात्मा अपमान। ये वाल्मीकि रामायण में भी है, महाभारत में भी है, दूसरे पुराणों में भी है। उन्हीं का एक और श्लोक उद्धृत किया है उन्हीं के द्वारा। जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवैः मय्येव ब्रह्मणा पूर्ण न बहिर्नान्तरश्चरी। इस श्लोक पर आप श्लोक पूछा करोगे भाई। तो जीव जो है, ये बीज को जब अपनाता है आत्मा, जब बीज भाव को ग्रहण करता है तब इसका नाम जीव हो जाता है। जा ई वा, ये चेतन की प्रधानता से है। और वा ई जग, ये जग की प्रधानता से है। जैसे गेहूं का बीज होता है, पेड़ का बीज होता है, ऐसे चेतना युक्त चेतना प्रधान जो जीव है, बीज है, उसको कहते हैं। माने ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को, लिंग शरीर को, या जातना शरीर को, या आदिवाहिक शरीर को अपने साथ जोड़ करके ये मैं, ये मेरा जीव को, जीव भाव को प्राप्त हो गया। असल में जीव नहीं, जीव जीव नहीं, ये तो चेतन नामक सहज सुख प्राप्त है। चेतन है दूसरे अध्याय चेतन से सारा का सारा जीवात्मा का ही वर्णन है। ऐसा सब आचार आश्चर्य तो ये है कि रामानुजाचार जाति मध्वाचार रामानुजाचार सोमवार का चार की तो टीका नहीं है, गीता पर वल्लभाचार की भी नहीं है, पर केशव कश्मीरी की है, पुरुषोत्तम गोस्वामी की है, वल्लभ दीक्षित की है, चैतन्य महाप्रभु की भी नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती की है, बलदेव विद्याभूषण की है। ये दूसरे अध्याय में जितना वर्णन है अव्यक्त हो या अचिंत्य हो या अधिकार के हो, तस्मादेवम विदित हो नाम सोच तुम बदलते।
एक शब्द ऐसा आया है गीता में जिसकी व्याख्या करने में आचार्य दूसरे नित्य काल से सर्वगत। अब जो लोग अणु मानते हैं उनको सर्वगत की व्याख्या करने में कठिनाई पड़ती है। नित्य सर्वगत अणु आई है, अचलो यम सनातन आना जाना है ही नहीं इसमें, तो मध्वाचार्य जी महाराज के सबसे ज्यादा कृष्ण कल्पना सर्वगतस्थाणु सर्वशरीरगत सर्वशरीरगत परमात्मा सर्वगत तत्तिष्ठति सर्वगत सर्वगत परमात्मा के अंदर रहने वाला एक अणु है। इतनी कृष्ण कल्पना है महाराज के सत्य प्रकरण। तो सीताराम ये दूसरा अध्याय जितना है ये सब आत्मा का वर्णन है, परमात्मा का नहीं। ये सर्वाचार संबंध है, वेदाभिनाशन हमने किया, नायम भंति नान्य थे न जायते मृत कराते, सब आत्मा का वर्णन है। तो श्लोक जो है, ये जीव जो है ये जब तक बीज भाव को अपने अंदर रखता है जिससे जन्म मरण की प्राप्ति होती है, फिर अंकुर पेड़ को काट देते हैं और फिर उसके अंकुर निकल जाते हैं। तो जब तक ये इस भाव को छोड़ करके परमात्मा के साथ एक नहीं होता तब तक ये जीव बना रहता है, और जब जीव भाव को छोड़ करके मयै व ब्रह्मणा पूर्णो ना बहर नाम करे भागवत का श्लोक, मुझ ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, पूर्ण मदम पूर्ण मदम हो जाता है, फिर सब आज्ञा करो ही अजा वही बाहर वही भीतर, न उसको कहीं बाहर जाना है न कहीं भीतर जाना है। बाहर जाना होगा तो जड़ में जाएगा, दृश्य में जाएगा, दूर जाना होगा तो देश में रहेगा, आकाश के पेट में होगा, देश के पेट में होगा, जड़ के पेट में होगा तब न चलेगा, काल के पेट में होगा तब न मरेगा, जड़ वस्तु होगा नारायण तभी तो दृश्य होगा। जब परमात्मा से एक हो जाता है तो ये पूर्ण हो जाता है। प्रिय पादन पूर्णयो विपर्ति पूर्ण, पूर्ण किसको कहते हैं, जो सब का पालन पोषण करने वाला है। पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मदस्त उससे एक हो जाता है, और न बहर नाम शरीर जिसका जो गमनागमन है, पुनर्जन्म में जाना है, परलोक में जाना है, सब का सब जाना आना इसका बंद हो जाता है। न सब पुनरावर्तन है न सब पुनरावर्तन है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ये श्रुति कहती है कहीं जाता नहीं, और न सब पुनरावर्तन है ये श्रुति कहती है कहीं आता है। ऐसा सब आज्ञा वहां भीतर सब ये जन्म परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति। आकाश वायु
आकाश के बाहर हो और अनेक भी हो उसमें आकाश ऐसा है कि व्यापक वस्तुओं को भी अनेक मानने की प्रथा दार्शनिकों में रही है। जैसे देश व्यापक है और काल भी व्यापक है, परंतु देश भी व्यापक होकर के नित्य है और काल भी व्यापक होकर नित्य है। हाँ, और देश जो है वो लंबाई चौड़ाई का सूचक है और काल जो है वो क्रम का सूचक है। भूत से भविष्य ये काल है और बाएं से दाएं ये देश है, और दोनों व्यापक हैं, दोनों आपस में टकराते भी नहीं है। अब ये क्या कहते हो तुम, उनका अनुजाई बताना चाहते वो तो अंश शब्द का प्रयोग तो गीता में भी है ही है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, पर वहाँ अंश शब्द का आप शंकराचार्य को भी अलग ही औपाधि अलग ही करना पड़ता है। ऐसे सभी दार्शनिकों को कहीं न कहीं तो अड़चन पड़ती है और उनको अपने ढंग से उसका समाधान करते हैं, पर अंश की व्याख्या करने में ही उनको नहीं आता। अंश तो अंश ही होता है, अंश तो शंकराचार्य चाहे बोले हैं किसी भी वस्तु के किसी एक अवयव को तो अंश कहेंगे ना, तो परमात्मा में अवयव नहीं है। ये सब शंकराचार्य का तर्क ये है कि परमात्मा में हिस्से तो हो नहीं सकते, इसलिए अंश ही वास्ता अर्थ करना पड़ेगा, यही है उनका शब्द। अंश अंश ही वास्ता, अंश के समान अंश है। तो ऐसा है कि अपने मत पर सारे शास्त्रों को आरूढ़ करने में सबको ही कहीं न कहीं अड़चन पड़ती है और उसकी संगति लगानी पड़ती है। हम तो शंकराचार्य भगवान को सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और अनुभवी और शक्ति का व्याख्याता मानते हैं।